हेलो एवरीवन गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेन का पेपर कितने मार्क्स का होता है। देखो, जो भी बच्चे जेईई मेन का पेपर देते हैं यार, कई बार ऐसा होता है कि यार उनको पता ही नहीं होता है कौन सा पेपर कितने मार्क्स का है। फिजिक्स कितने मार्क्स का आने वाला है, केमिस्ट्री कितने मार्क्स का है, मैथ्स कितने मार्क्स का है। तो यार तुमको भी अगर यार ऐसा कन्फ्यूजन है तो यार तुम इस वीडियो को पूरा देखो, तुमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तुमको मैं बताना चाहूँगा, जेईई मेन का जो कम्प्लीट पेपर है वो तुम्हारा होता है 300 मार्क्स का। अब देखो, 300 जो मार्क्स होते हैं वो या तुम्हारे तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। देखो, तुम्हारा जो पहला पार्ट होता है वो होता है फिजिक्स का, दूसरा होता है केमिस्ट्री का, तीसरा होता है तुम्हारा मैथ का। तो यार देखो, इसमें क्या होता है, टोटल तुम्हारे पास क्या 75 क्वेश्चन होते हैं, 25 फिजिक्स के, 25 तुम्हारे केमिस्ट्री के और 25 तुम्हारे मैथ के। ये क्वेश्चन तुमको क्या करने होते हैं। अब जब तुम 75 क्वेश्चन करते होते हो तो देखो, तुमको एक क्वेश्चन सही करने पे प्लस 4 मार्क्स मिलते हैं। तो यार देखो, 75 × 4 तुम्हारा हो जाता है 300। तो तुम्हारे क्या है, तुम्हारा 300 का जो पेपर है वो क्या है, हो जाता है। अब देखो, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि तुमको जो क्वेश्चंस मिलते हैं टोटल, वो तुमको मिलते हैं टोटल 90 क्वेश्चन, लेकिन तुमको सिर्फ अटेम्प्ट कितने करना होता है, सिर्फ 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। और 75 के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो टोटल मार्क्स हो जाता है एग्जाम के लिए, वो हो जाता है 300 मार्क्स। तो तुमको 300 मार्क्स का पेपर मिलेगा जिसको तुमको अटेम्प्ट करना होगा। और अगर क्या है, तुम्हारे 175 प्लस मार्क्स आ जाते हैं तो यार तुम्हारा NIT कॉलेज भी कंफर्म हो जाता है। तो यार तुम अपने टारगेट को अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाओ, अपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो, जिससे कि तुमको अच्छे मार्क्स मिल सके। और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट और से कमेंट करके पूछ सकते हो। और चैनल पर परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स का एक वीडियो है, जिसमें तुमको कितने मार्क्स पर कितना परसेंटाइल आ जाएगा वो जानने के लिए मिल जाएगा। तो बस तुम चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट पर विजिट करो और प्लेलिस्ट में जाकर प्रॉपरली वीडियोस को देख के प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लो, जिससे कि तुम्हारा जो टारगेट है वो फुलफिल हो सके। एंड थैंक्स वॉचिंग अवर वीडियो।